नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास बोर्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, जहां गोल्डन एजुकेशन सर्विस की तरफ से एक एमना लगाया गया है, जिसमें रणबीर सिंह लोहान पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लोहान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिलसिला में। धन्यवाद जी, प्रेस वार्ता में आपका बड़ा धन्यवाद और हमारी पूरी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। अगवान साहब, यूएसए को लेकर बड़ी कंक्लूजन रहती हैं, जब कोई व्यक्ति जाता है स्टडी की बात करें चाहे वर्क की बात करें, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की लाइफ है, कैसे ये कंक्लूजन सब क्लियर होंगे? नहीं, लाइफ बहुत मस्त है, बड़ी पीसफुल है और बड़ा ठहराव सी है ज़िंदगी। मतलब यूँ फास्ट या ये नहीं है कि भाई चलते जाओ। और जैसे अभी एक उदाहरण दूँ, अगर मैं जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कोई बच्चा जा रहा है, तो उसको आगे से जैसे निकालने की कोशिश करते हैं हम, वहाँ पर ये है कि भाई रुक जाते हैं लोग। पैदल चलने वाले की तो बहुत ज़्यादा इज्जत है, मतलब बड़ा शांत सा है और बड़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको काम करना है वो काम करे, पैसे की कोई कमी नहीं है उन देशों में, इसलिए लोग ये गलत रास्ते भी अपना रहे हैं। गलत रास्तों की बात की जाए तो बड़े शॉर्टकट चुनते हैं, डोंकी की दीवार बड़ी वहाँ फेमस रहती है कि जिसको लोग क्रॉस करके पार करने की कोशिश करते हैं, क्या सही वे है, कैसे जाया जा सकता है और कैसे इनकम को जनरेट किया जा सकता है वहाँ? देखिए, रास्ता तो बिल्कुल सही नहीं है डोंकी का, क्योंकि आपने अगर मेरी फेसबुक देखी हो, बहुत से बच्चे ऐसे जो डोंकी के माध्यम से गए थे, लेकिन वहाँ जाके उनके पास जैसे शुरुआती दौर में जब जाता है तो 8-10 महीने लग जाते हैं उनको उनका सोशल सिक्योरिटी और वर्क परमिट आने में, और ये चीज़ें जब नहीं होती उनके पास तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो, और कोई संभालने वाला भी नहीं है। हमारी जो यारी इंटरनेशनल संस्था है, हमने उस संस्था के तहत बहुत से बच्चों को ठीक किया है और यहाँ अपने इंडिया में भी हम कर रहे हैं यार इंडिया से। तो ये जो बच्चे डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि पहले एजुकेशन के माध्यम से जाए, ताकि 5 साल का वीज़ा लगेगा। और एजुकेशन में भी हमारा जो गोल्डन टाइम एजुकेशनल है, ये जो देखो आपने पोस्टर देखा है, इसमें हमने सिर्फ 6 लाख रुपये में प्रबंध किया है। हमने सिरसा में सुना है कि 40 लाख और 40-35 लाख से नीचे का शिक्षा के लिए भी नहीं, एजुकेशन भी इतनी महंगी, ये हम सिर्फ 6 में ही कर रहे हैं। और 6 लाख रुपए में भी हम अपनी जेब में नहीं लेके जा रहे हैं, 6 लाख रुपए में 5 फीस हैं इसके अंदर। फार्म भरने की फ़ीस है, सर्विस फीस है, $160 एम्बेसी की फ़ीस है, ये सारा यहाँ 70,000 रुपये का खर्च होता है। ये खच्चर 70,000 रुपये खर्च होने के बाद वीज़ा अगर लग जाता है तो फिर हम 4-4.25 लाख रुपये उसकी फ़ीस भरवाते हैं और हमारी फ़ीस है, तो ये सारा 1-6 लाख के अंदर ही सारी 5 फीस इंक्लूड हैं। तो ये इसलिए भी हमने किया है कि भी हमारे जो ज़मींदार है या मजदूर है या छोटा व्यापारी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, तो ये जो छोटा व्यापारी है, छोटा किसान मजदूर है, ये कैसे सक्सेस हो, हमने सिर्फ इसी बात पे फोकस किया कि हमारे ये जो भाई हैं ये कैसे कामयाब हो, और हमने ये कामयाब करने का बीड़ा उठाया है, इसलिए ये है। बाकी दूसरा तो ये कि हम भी अगर ही नहीं कि दूसरे भाइयों के रास्ते चलते कि 35 लाख ले लिया, 40 लाख ले लिया, तो फिर हमारे मेरे इन भाइयों में कोई फ़र्क नहीं था। और जैसे मैंने सिरसा में तो ये भी सुना है कि फ़ंड दिखाने के 7.5-8 लाख रुपये ले लेते हैं, जबकि हमने ये खुले ओपनली कहा है कि वे किसी भी भाई का फ़ंड दिखाना है, आप किसी के खाते के भी दिखा दो, पूरे भारत में एक पैसा भी नहीं लगाना। तो ये 4-4, 6-6 महीने के ब्याज ले लिया और 7-8 लाख रुपये ले लिया, हमने पूरा क्लियर कर दिया कि आप किसी के खाते के दिखा दो, कोई चक्कर नहीं है। आनंद जी बैठे हैं आपके शहर में और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से 3-3.5 महीने हो गए ये काम कर रहे हैं, और हमारे से यहाँ बहुत सी फाइलें आई भी हैं, और 4-4 दिन में 3-3 दिन में I-20 आ गई। I-20 अमेरिका में जो एडमिशन होता है तो उसको I-20 बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और भी देखिए कि 4-5 महीने I-20 नहीं आती, हमारे ऑफिस तो एक भी नहीं है, हमारे अब तक 30 ऑफिस हैं हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में, एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है जिसका हमारा 25 दिन के अंदर अंदर I-20 नहीं आई हो। सबका अच्छे से तरीके से क्लियर है सारा मामला और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो किस किस तरह के चैलेंज आपने फेस किए जब यारी संस्था को आपने शुरू किया, किस किस तरह चैलेंज आए, किस किस तरह के लोग सवाल लेकर आते थे, क्योंकि बेसिकली यूएस हाईएस्ट कंट्री माना जाता है, लोग बहुत जाना चाहते हैं उस कंट्री में? देखो, यारी इंटरनेशनल जो संस्था ना, वो एक अलग चीज़ है, और ये जो गोल्डन टाइम्स एजुकेशन का है ना, ये एक अलग चीज़ है, ये तो अभी शुरू किया हमने। और यारी इंटरनेशनल जो संस्था है वो अमेरिका में हमने करीब करीब 13-14 साल हो गए,
और यारी इंडिया भी उसके साथ में ही हमने काम किया था। वहाँ मेरा भाई है जो अमेरिका में डॉक्टर है, वो चेयरमैन है उसके, और जो इनकम है उसका 70% हम बच्चों की सेवा भाव में लगाते हैं। और इस काम में भी हमारे पास अगर कोई दो पैसे बच जाते हैं तो हम सेवा भाव में लगाएंगे। तो और ये सेवा भाव ही है कि 6 लाख रुपये में अगर कोई बच्चा चला जाए, एक तो ब्याज का डर नहीं है, एक पिताजी ये नहीं कहेगा कि वे पैसे दे जल्दी से, ऊपर से 50 लाख दे के आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि बच्चा स्ट्रेस में नहीं होगा, यहाँ माँ बाप स्ट्रेस में नहीं होगा। अगर फैमिली स्ट्रेस में नहीं हो, बीमारी से दूर हो, तो एक मैं समझ सकता हूँ कि वो परिवार बड़ा अच्छा जल्दी तरक्की करेगा। और बेटा जब वहाँ जाता है उसके ऊपर दिमाग पे ये प्रेशर ना हो कि तेरे पिताजी तंग हैं, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बड़ा अच्छा काम भी करेगा। सबसे बड़ी बात आ जाती है, इंस्टीट्यूट सिरसा में बहुत हैं, कैसे चयन की जाएगी, कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए इंस्टीट्यूट में, जब भी हम किसी प्रोफाइल को लगाएं तो क्या क्या मानक देखे जाने चाहिए सर? पूरे सिरसा में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इन सब में घूमो आप। तो प्रेस के आपका प्रेस है खुद का, और आप खुद ही एनालिसिस करें कि औरों में और इन में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि ये टीचर थे, जब मैं अमेरिका में बैठा था मेरी तो फैमिली सदस्य ही है, तो मैंने कहा जी आप करो आनंद जी ये काम, तो ये कह ले कि जी मैं टीचर हूँ, अभी तो मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू करें। यही फ़र्क है सबसे बड़ा। तो यहाँ सिरसा में बड़े बड़े शोरूम हैं, उनकी फाइल देखो अमेरिका की कितनी है और हमारी घर बैठे की देखो कितनी है। क्यों है ये? लुधियाना से हमारे आनंद जी के पास सिरसा ऑफिस में फाइल लगी है, और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उसकी वीडियो भी लगाई है कि 4 दिन में I-20 आ गई। और दूसरी ये है कि भी मैं आपको एक बात और बता दूँ, पूरे हरियाणा में डायरेक्ट अमरीका की यूनिवर्सिटी है ही नहीं इनके पास, सिर्फ हमारे पास है। ये 4-4 महीने I-20 नहीं मिल रही और इतने पैसे ले रहे हैं। ये किसी न किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एसोसिएट हैं, चंडीगढ़ है या दिल्ली है, तो इनके पास डायरेक्ट नहीं है। तो है हमारा ऋण का फ़र्क बहुत है, फ़र्क तो पैसे में ही बहुत ज़्यादा है। देखो मुझे पता था यहाँ का, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं से मैं गया था और वापस भी यहीं आया हूँ, 5-6 महीने ही रह गया था। मेरे को इस मार्केट का पता है कि यहाँ लोग 25-35-40, सिरसा साइड तो जैसे 40-35 का जो रेट है मैंने जो सुना है, सोनीपत की साइड फंड दिखाने के 5.5 लाख रुपये लेते हैं, जींद में 5.5 लेते हैं, यहाँ 7.5 और 8 लाख रुपये लेते हैं। तो फ़र्क ही फ़र्क है, हम तो 1 रुपया भी नहीं लेते इनका फंड दिखाने का। हमने तो रास्ता बता दिया कि अगर आपके पास नहीं है 1 रुपया भी, आप पूरे इंडिया में किसी के खाते का दिखा दो, 3 महीने का दिखाना जी, 6 महीने का दिखाना, हम कहते कि 4-5 दिन 10 दिन डाल के दिखा दो, हमें दिखा दो। ये मान के चला जाए कि सिरसा में गोल्डन टाइम लोगों के USA जाने का गोल्डन टाइम हो सकता है? बिल्कुल 100% है ही गोल्डन टाइम, और आनंद के साथ आनंद में रहिए, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। हमने एक 0 टॉलरेंस से काम कर रहे हैं हम सारे के सारे, किसी के साथ हमने कोई धोखा गद्दारी नहीं करनी, और पैसे के लालच में हमने कोई गलत काम नहीं करना और ना हम आगे करेंगे। इसका आनंद लीजिए, मैं तो कहूँ ये स्कीम है कि ये समझ सकते हो आप कि ये एक बेहतर स्कीम है हमारे स्टूडेंट्स का बेहतर जीवन बनाने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए। आप ही बताइए, अगर आपकी जेब से 35 लाख गया हो और एक सिर्फ और सिर्फ 6 लाख गया हो, वीज़ा लगने के बाद एक सेमेस्टर की फ़ीस भी गई हो, तो आप कैसा महसूस करोगे? ये तो नेचुरल सी बात है ना। तो ये जो फ़र्क है ना, ये 7.5 लाख फंड दिखाने का ले रहे, हमारा प्रोसेस सारा ही 6 लाख रुपये में 5 फीसें भी हैं, तो हमारा ऋण का फ़र्क है भाई। यहाँ माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, मैंने देखा जी, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, 9 जनवरी को एक लड़का डोंकी के माध्यम से अमेरिका के बॉर्डर पे बेहोश होकर गिर गया, और कुछ 2-4 साथियों ने उसको अमेरिका के अंदर जंप करवा लिया बेहोश होने के बावजूद भी, और वहाँ से पेट्रोलिंग वालों ने उसको उठा लिया। 2.5 महीने के बाद कोमा से बाहर निकला है, और अमेरिका सरकार ने 35 करोड़ रुपये उस पर लगाए हैं। अगर यहाँ होता तो मरता, उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया था, अपेंडिक्स फट गई थी। उसके बाद 2.5 महीने के बाद हॉस्पिटल ने कहा जी अब इसको लेके जाना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी ख़त्म। ठीक 18 ऑपरेशन हुए उसके, आज हमने लाइव भी आके उसको दिखाया है, मेरी रणबीर सिंह लोहान की अगर फेसबुक पे देखोगे तो देखना आप। 1.25 महीने पहले 28 किलो का लेके आए थे उसको हॉस्पिटल से, आज उसका 50 किलो वेटर, हमारी कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं,
पुंडरी शहर है, उस शहर का ही है। पता नहीं परमात्मा जाने पुंडरी के ही 4-5 मिले मेरे को तो, और सबको हमने ठीक किया है जी। किसी पे 5-6 लाख रुपए भी लगे हैं, किसी पे, एक तो संगरौली का है शर्मा, ऋतिक शर्मा, उसको तो 10 लाख की तो दवाई मैं दे के आया था, 10 लाख की फिर पहुँचाई मैंने यहाँ आने के बाद, और 5-6 महीने की 5-6 लाख रुपए की महीने की दवाई है उस लड़के की। और परमात्मा की दास है, उसको एक ऐसी बीमारी थी वो सिर्फ अमेरिका में ही ठीक हो सकता था, और हमारे पास आ गया वो लड़का, आज 70% ठीक है वो लड़का। बड़ी खुशी भी है जी, पैसे से ज़्यादा खुशी है किसी का मानव जीवन बचाना, एक मानवता का धर्म है ये, हमें करना भी चाहिए। तो इन सब भाइयों को आप कह रहे थे ना फ़र्क क्या है, एक सिरसा में जब मैं अमेरिका में था, एक लड़के का मेरे पास टेलीफोन आया कि एक बच्चे की किडनी फेल हो गई, अभी तो मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका, मेरी फेसबुक पे है वो, मैंने लाइव आके लोगों से भी मांगा था, 51,000 रुपये तो मैंने भेजे थे अमेरिका से, और 30,000 रुपये लोगों ने मेरे कहने से भी दिए थे, उसको 81,000 रुपये पहुँचाए थे, मैं जानता ही नहीं, मैं घर भी नहीं जानता उसका, और अब तक मैं घर भी नहीं गया हूँ। तो मेरा ऋण का तो फ़र्क है, ये फ़र्क नहीं है शहर की शहर में, ये सिर्फ पैसे पे लगे बैठे हैं कि पैसा आ जाए, कोई ग्राहक फंस जाए उसको मैं 35-40। जिन लोगों को पता ही नहीं है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये बड़ी ही सरल प्रक्रिया है, और आनंद जी के साथ आनंद में हो जाइए, और इस अमेरिका जाने वाली मुहिम के अंदर हमारे साथ जुड़िए। जिनको डोंकी के माध्यम से जाना, उससे पहले आप एजुकेशन के माध्यम से जुड़िए हमारे साथ। हम क्या कर लेंगे, 70,000 रुपये तो खर्च होना है, बाई दिवे ख़राब हो गया ये, एक मिनट के लिए लग गया तो मौज है, और नहीं तो नहीं समझ लो कि भाई 50 की जगह 51 दे दिया है ना। और अभी तक जितने भी हमारे जानकार रहे हैं जी, कई बार रिफ्यूज़ल आ जाता है क्योंकि एम्बेसी में किसी की जानकारी नहीं है, और ये लोग सारे के सारे एम्बेसी की गारंटी देके ये कहते हैं कि जी गारंटी है मेरी एम्बेसी के, हमारा वीज़ा लगेगा। मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि अगर इनकी गारंटी तो है, आनंद जी के पास जितने भी केस आ रहे हैं हम सारे वहीं दे देंगे, सिर्फ गारंटी दे दे, गारंटी दे दे और केस उनको दे देंगे जी। अगर उनकी गारंटी है तो हम केस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और भी दे देंगे, हमारे चंडीगढ़ भी हैं, हमारे हर ऑफिस में भगवान की दास है, दिल्ली की बहुत केसेस है। अगर वो गारंटी दे रही तो इससे अच्छी बात नहीं है, दे दें। अगर उनकी गारंटी नहीं है फिर वो हमें डबल दे देंगे कि नहीं, वो भी बात कर लेना आप उनसे। मतलब झूठ बोल के कोई काम करना वो गलत है, बड़े सपने दिखा के अमेरिका का बड़ा करके और फिर लोगों को लूटना वो भी गलत है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भाई जितने भी हमारे भाई हैं, रोहतक गया था मैं 1.5 महीने पहले, एक छोटा व्यापारी था, रोने लग गया, कहता कि भाई साहब कोविड में 2 साल दुकानें बंद रही, उसके बाद फादर साहब को कैंसर हुआ, आपकी वीडियो देख के बड़ी जान में जान आई, हमें बड़ा अच्छा लगा जी। एक पेवा में नाई की दुकान थी, कहता जी मेरे गाँव में 500 बच्चे गए हैं अमरीका में, हर रोज़ पटाखे बज रहे हैं। हम कहते थे कि मेरे बेटे को कि बेटा हमारा तो कभी भी नंबर नहीं आना, लेकिन आपकी वीडियो सुन के हमें लगा कि इतने तो हम भी अफोर्ड कर लेंगे। तो क्या ये कामयाबी का एक रास्ता नहीं है, और ये ज़रूरी भी है, हर आदमी को करना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं है जी, 100 करोड़ है चाहे 2 करोड़ है, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते आप। तो इसलिए सेवा भाव में करिए, और आपके माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि जी सिरसा में हमने ये गोल्डन टाइम्स का हमारा जो ऑफिस है ये शुरू किया है, आप इसकी सेवा लें और कम पैसे में आप अमेरिका पहुंचिए। आनंद जी से बात कर लेते हैं। आनंद जी, सिरसा में शुरू किया है, किस किस तरह की दिक्कत सारी हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या कंप्लेंट आपको बताते हैं? सर, सबसे पहली दिक्कत तो यही, स्टूडेंट्स को ये विश्वास ही नहीं था कि इतने कम पैसों में ऐसा भी पॉसिबल है। तो जब हमारे कई स्टूडेंट्स की I-20 आई तो उनको लगा भी हाँ वाकई भी ये पॉसिबल है। एक लुधियाना से था लड़का मनमीत, उसकी 4 दिन में I-20 आई, तब उसको लगा सबको कि भी हाँ पॉसिबल हो सकता है, फिर उसके बाद लोग अपने आप आते गए और कारवा बढ़ता गया जी। तो 6 लाख में सब कुछ पॉसिबल है? हाँ जी, 6 लाख में बच्चे की प्रोसेसिंग फ़ीस भी आएगी, स्वाइस फ़ीस भी आएगी, एम्बेसी फ़ीस भी आएगी, और हमारा तेल पानी भी आ जाएगा जी। इसमें जी 6 लाख रुपये में अगले ने 6 लाख इकट्ठा नहीं देना, ये स्टेप बाई स्टेप है। वीज़ा लगने के बाद है 5.25 लाख रुपये, उससे पहले तो 3 फीस है, वो भी स्टेप बाई स्टेप खुद भरनी उसने, उसकी एम्बेसी की फ़ीस है उसने खुद भरनी, $160 है, गूगल पे चेक करिए इतनी है, $350 सर्विस फीस है वो गूगल पे चेक करिए, 1 साल के लिए वैलिड है, वो अपनी खुद भरनी उसने, हमारे को कुछ नहीं देना। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस अपनी खुद भरनी है, अगर यहाँ भरना चाहता तो यहाँ भी भर ले, अगर वहाँ भर के आना चाहता है तो वहाँ अपना जाके भर ले। कोई सब बिल्कुल ही सरल और सीधा है, मतलब एक्चुअली में क्या है वो ये है, और ये खुला है
हाँ जी, एक बार एड्रेस फिर से बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि कोई नंबर आनंद जी का 7402110007 मेरे को 30 के 30 ऑफिसों के नंबर याद है, डीएवी स्कूल के पास है ये नंबर ही बहुत है जी, 7402110007। तो बिल्कुल 6 लाख रुपए में मात्र आप यूएसए जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और 6 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं बनने, उसके लिए भी आपको किस्तों में ही पैसे देने हैं। तो फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत।